नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको जैसलमेर के लानेरा रन का दृश्य दिखा रहा हूं। इस रन में अभी कुछ ही देर के बाद में घोड़ों की रेस होने वाली है। बहुत ही शानदार ये पूरा मैदान है जहां पर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी एक रेस होती है। दो रेस होती है इसमें, एक रेस में घोड़े थोड़ी सी कम गति में दौड़ते हैं, एक रिवाल रेस होती है जिसमें पूरी गति के साथ दौड़ते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत सारे घोड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक शानदार रेस यहाँ पर मरु महोत्सव के अंतर्गत होने वाली है। आइए जैसलमेर के लानेरा रण से इस शानदार हॉर्स रेस का अवलोकन करते हैं। घोड़ों की दौड़ शुरू होने वाली है। आप देख रहे हैं पूरी लाइन पर पुलिस कर्मियों को खड़ा किया गया है ताकि अव्यवस्था न हो। मंच आप देख रहे हैं जहाँ पर अतिथिगण बैठकर घुड़दौड़ देखेंगे और पुरस्कार वितरण समारोह यहीं पर होगा। बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सैकड़ों पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। मेरे मित्र विमलेश जी को आप देख रहे हैं जो कि एक सेवानिवृत्त सैनिक भी हैं और अब पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। आयोजन कमेटी का कार्यालय आप देख रहे हैं जहाँ से पूरे कार्यक्रम का संचालन होता है। आप देख रहे हैं विधिवत फॉर्म भरे जा रहे हैं, वही इस रेस में भाग ले सकते हैं। ये आयोजन कमेटी का कार्यालय है। मित्रों, मैं इस समय आपको जैसलमेर के रण का नजारा दिखा रहा हूं जहां पर अभी कुछ ही देर में घोड़ों की रेस होने वाली है। ये राजस्थान का सबसे अच्छा रण है जहां पर एक आदर्श स्थान माना जाता है घोड़ों की दौड़ के लिए। अंकित पुरोहित जी हमारे साथ है जो कि आयोजन कमेटी में है और वो यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि ये रेस कितनी रेस होगी और इसके क्या कायदे कानून रहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ दूर से पधारे हो हमारी रेस के इंटरव्यू लेने और यूट्यूब पर अपने लाइव करने के लिए। मैं आज को आपको बता रहा हूँ, मरु मेला जो 3-4-5 तारीख को जैसलमेर में विश्व विख्यात जो स्टार्ट हो गया था, आज उसका समापन और आखिरी दिन है। अभी 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी जैसलमेर में घुड़दौड़। 4 तरह की रेस होगी, बड़ी रेवाल, छोटी रेवाल, मादरी और गैलप। हमारे यहाँ पर ये रेस का आयोजन पिछले काफ़ी वर्षों से हो रहा है जिसमें सिंधी घोड़ों की बहुत ही अच्छी पहचान बनाने और उनकी आगे तक वैल्यू बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसा आपको हमारे बड़े भाई साहब जो ये पदम सिंह जी धाईसर है पास में, इनसे पूरी जानकारी लो। ये हमारे जी सर बताइए। यहाँ पर 4 रेसें होगी हमारी जी। एक गैलप, उसके बाद मादरी, उसके बाद छोटी रेवाल और बड़ी रेवाल जी। 3 तोड़ माप है, जो घोड़ा फाउल होता है 3 बार फाउल होता है माफ है, चौथी बार यदि फाउल होता है तो आउट जी। अच्छा, इसकी गति क्या रहती है हर रेस की, घोड़ों की दौड़ने की गति? दौड़ने की गति तो लिमिट उनकी कुछ नहीं है, जितना दौड़े जी। हाँ, गति में ये जो 35-36 से ऊपर घोड़े हैं वो बड़ी रिवाल में जी, और 36 तक हैं जो छोटी रिवाल के घोड़े। आप सुन रहे हैं, ये गति की भी कुछ सीमाएं। अच्छा, ये रेवाल में और ये गल्फ में क्या फर्क होता है फिर, नाम का ही अंतर है या कुछ इसमें नियम? हाँ, होता है, चाल में भी फर्क है। चाल में अलग अलग चालें हैं सब जी। छोटी रेवाल और बड़ी रेवाल एक तो एक ही चाल है जिसमें घोड़ा आसानी से आदमी ऊपर सवार बैठ सके। अरे जो गल्फ होती है उसमें सरपट चाल होती है। अच्छा, तो इसमें जजेस पूरी नजर रखते हैं घोड़ों के पैरों पर? बिल्कुल, पूरे कमेटी चलेगी साथ में जी। अब कमेटी वाले निर्णय करेंगे उसकी जो घोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। सुने मित्रों, लाखों लोगों ने पिछली बार मेरी रेस को देखा था और लोगों ने बहुत सराहना की थी क्योंकि पूरे कायदे कानून के साथ ये रेस होती है। जजेस की 2 गाड़ियां घोड़ों के साथ दौड़ती है, उन घोड़ी में हम भी सवार रहते हैं और एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। आइए रण में चलते हैं और आज की सुंदर रेस का आपको मजा ले रहते हैं। मित्रों, जैसलमेर के रण का नजर आपको दिखा रहा हूं जहां पर पहली रेस शुरू होने वाली है जिसका नाम है ये गल्फ। और इसमें घोड़ों की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है, इससे अधिक गति से नहीं दौड़ सकते। ये गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं जिसमें हम सवार रहेंगे, जज रहेंगे, घोड़ों की कदमों पर नजरें रहेगी जजेस की, उनके दौड़ने का तरीका है उसी के आधार पर तय होता है कि गल्फ रेस है, ये छोटी रिवाल है, ये बड़ी रिवाल है। और ये पहली रेस का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर यहाँ का ये रण आप देख रहे हैं जैसलमेर का जहाँ पर ये पहली दौड़ शुरू होने वाली है। देख रहे हैं गल्फ रेस के लिए घुड़सवार तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तैयार हैं घोड़े दौड़ने के लिए, पहली रेस तैयार है। आप देख रहे हैं गल्फ रेस के लिए घोड़े अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। 2.5 किलोमीटर की एक रेस जिसमें स्पीड लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। एक शानदार रेस का नजारा आप देख रहे हैं लानेरा के रण से जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव के अंतर्गत।
स्मगलर मारे अभी घुड़सवार तैयार है रेस के लिए। देख रहे हैं रेस शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं बहुत तेज गति से घोड़े दौड़ रहे हैं, शानदार नजर आप देख रहे हैं जैसलमेर से, शानदार रेस देख सकते हैं। काफी घोड़े पीछे रह गए हैं, बहुत ही शानदार गल्फ रेस आप देख रहे हैं। ये जैसलमेर के लानेरा के रन का नजर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये दूसरे स्थान पे चल रहा है और ये काफी आगे निकल गए आप देख सकते हैं। ये देखिए दूसरे स्थान पर है, ये पहले स्थान के लिए प्रयास कर रहा है, बाकी घोड़े काफी पीछे रह गए हैं। एक नंबर घोड़े ने काफी बढ़त बना लिया आप देख सकते हैं, लगता नहीं है कि कोई इसे मार दे पाएगा, बहुत आगे चला गया है और इसको पकड़ पाना काफी मुश्किल है। ये देखिए जोरदार ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का घोड़ा अभी जोरदार रेस लगा रहा है, सभी घोड़ों को काफी पीछे छोड़ दिया इसने। अब इसको हराने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल जीतेगा ये, बिल्कुल आराम से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, आसपास भी कोई नहीं है इसके। जैसलमेर के लानेरा रन का नजर आप देख रहे हैं, गल्फ रेस तो पहली रेस है जिसमें विजेता आप देख रहे हैं सहजन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, कोई आसपास भी नहीं है। गाड़ी भी साथ में है, घोड़े देख नहीं पा रहे हैं लेकिन विजेता को आप आराम से देख सकते हैं। एक तरफा दौड़ हो गई है जिसमें अब हाथ उठा दिया है, फिनिश लाइन पे पहुंच चुका है उनका घोड़ा, ये देखिए फिनिश और ये जीत गया है। जीत गया भाई ये वाला घोड़ा। ये देखिए दूसरे स्थान का घोड़ा आ रहा है, ये देखिए दूसरे स्थान, ये दूसरे स्थान का घोड़ा पहुंचा है, घोड़े बहुत पीछे रह गए आप देख सकते हैं, धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तीन घोड़े आ रहे हैं जिनमें तीसरे स्थान का मुकाबला होगा, ये देखिए तीन घोड़े अब आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। ये है तीन नंबर वाला, हाँ तीन नंबर पे ये है व्हाइट वाला, ये तीसरे स्थान का यहाँ पहुँच गए हैं, देखिए ये पहुँच रहे हैं। गल्फ प्रेस के विजेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत एक तरफा मुकाबला इन्होंने जीता, आसपास में कोई नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इजीली आप जीत गए हैं, कोई आसपास भी नहीं था आपके। घोड़े के मेन तो मेरा घोड़ा बहुत वो है,
मैं इस घोड़े की अपनी जान मानता हूँ, इसलिए जीता है। और मेन घोड़े में पावर होनी चाहिए थोड़ी अच्छी। आप कहाँ से? जैसलमेर। जैसलमेर के हैं। इससे पहले आपने रेस में कभी भाग लिया? पहले दो बार थर्ड आया हुआ है। थर्ड आया, आज पहली बार फर्स्ट आए हैं। पहली बार फर्स्ट। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इस बार क्या मेहनत की थी खास? कुछ घोड़े को भी खास खिलाया पिलाया था? मेन घोड़े में पावर होने चाहिए थोड़ी, भगवान उस समय घोड़े में थोड़ी ताकत नहीं थी, न्यू लिया था जी, तब घोड़ा ऐसे बदमाशी करता था। हाँ। इस बार स्पष्ट घोड़े के खाने पीने में भी ध्यान रखा कोई? हाँ। घोड़े महीने में खान मेन इसकी दो डाइट थी, उसको थोड़ा बढ़ा के उसको हेल्थ डाल ली। धन्यवाद। गल्फ रेस के तीसरे स्थान पर रहे नारायण सिंह, ये गल्फ के दूसरे स्थान के विजेता जिगर घोड़ा जो फर्स्ट रहा था ईश्वर का, हीरो शहर का पहला पुरस्कार लेते हुए अपने घोड़े के साथ गल्फ रेस का पुरस्कार दिया जा रहा है के युवा घुड़सवार को सम्मानित किया जा रहा है जो विजेता रहे हैं।